नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आपका अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, कद्दू का कोफ्ता, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से बनाएंगे तो आप बिल्कुल नए ट्रिक के साथ मैं बता रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाएँगे। आप किसी चीज़ के साथ भी इसे खा सकते हैं, रोटी, चावल या पराठे, हर किसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और कद्दू बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर आप ट्राई करें, आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि कद्दू का कोफ्ता कैसे बनता है बहुत ही आसान तरीके से। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन, मैं बताती हूँ आपको कद्दू कोफ्ता कैसे बनते हैं। कद्दू का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 750 ग्राम कद्दू ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसे छील कर धो लिया अच्छे से, देख रहे हैं। अब मैं इसे कद्दू कस कर लूँगी, इससे घस के साइड पतले वाले साइड से, जैसे महीन बस आ जाए। और साथ में मैंने लिया है बेसन, जितना उसमें लगेगा बाइंडिंग करने में अंदाज से डालूँगी 6-7 चम्मच। यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिया है बड़े साइज के, उसका पेस्ट बना लिया है। जीरा और गोल मिर्च का यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है, भी 1 चम्मच मैंने लिया है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1.5 चम्मच के लगभग। अब यहाँ मैंने तो मसाले लिए हैं, तो मैंने मसालों में लिया है 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च खड़ा, थोड़ा सा मैंने दालचीनी लिया है और 4-5 मैंने गोल मिर्च लिया है। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने जीरा लिया है फ़ोरन के लिए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च 2 बारीक काट लिए, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और 1.5 चम्मच के लगभग मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। चलिए मैं कद्दू को घस लेती हूँ पहले। तो देखिए कद्दू को मैंने घस लिया है, अब इसका मैं पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी उनके हाथों से। मैंने कद्दू को अच्छे से निचोड़ लिया है, यहाँ पर देखिए इसका पानी निकल गया है। इसका जूस आप ऐसे भी पी सकते, बहुत फ़ायदेमंद होता है, या ग्रेवी में डाल सकते हैं, मैं ग्रेवी में डाल दूँगी। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो मैंने कद्दू जो लिया है घस कर, उसे मैं थोड़े मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी वो भी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, और 1/2 चम्मच के अलावा मैं धनिया पाउडर डालूँगी और 1/4 चम्मच मैं डालूँगी गरम मसाला, और जो मैंने मिर्च को काट कर रखा था 2 उससे मैं डाल दूँगी इसमें। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, नमक मैं 1/2 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ, अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच के लगभग, और अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। तो बेसन मैं 5 से 6 चम्मच के लगभग डाल रही हूँ छोटे चम्मच से। तो मिलाकर मैं देख लूँगी बाइंडिंग अगर अच्छे से होगा तो मैं और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर और ज़रूरत पड़ा तो 1-2 चम्मच और डालूँगी। देखिए मैंने 6 चम्मच डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छे से बाइंड कर लेती हूँ मिक्स करके। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच और डाला है बेसन, 6 चम्मच में नहीं हुआ है, देखिए कितने अच्छे से हो गया मेरा तैयार बॉल। अब मैंने कढ़ाई लिया, उसमें मैंने सरसों तेल डाल दिया, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसे फ्राई करूँगी बॉल्स को। मैंने इस तरह से बॉल्स बनाकर डाल दिए हैं, देखिए कितने अच्छे से लाल हो रहा है मेरा बॉल्स। मैं इसी तरह सारे कद्दू का बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए लाल होने तक मैं फ्राई करूँगी पलट पलट कर, उसके बाद मैं निकाल लूँगी इसे। देखिए कितने अच्छे से मेरे कद्दू के बॉल्स तैयार हो गए हैं, तो लाल हो चुका है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और एक बर्तन में, और इसे निकालने के बाद बाकी जो मैंने बॉल्स बनाए हैं कद्दू के सब इसमें डाल दूँगी। देखिए निकाल लिया मैंने, तो अच्छे से लाल और क्रिस्पी हो गए हैं। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे बना कर रखा है गोला रोल, उसे मैं डाल दूँगी बॉल्स को। और इस बात का ध्यान रखें गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखें, हाई फ्लेम रखने से जल जाएंगे कोफ्ते, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए गैस को लो फ्लेम
वो तो मीडियम फ्लेम पे ही रखे, मैंने कुकर के सब डाल दिया। तो जब तक मेरे कद्दू के बॉल्स तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने दूसरे साइड कढ़ाई ले लिया है, उसे गैस पर चढ़ा दिया। ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं तेल डालूँगी। तो देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, दूसरा साइड मैंने चढ़ाया था समय बचाने के लिए, जैसे टाइम लगता है कद्दू के कोफ्ते में। तो मैंने 2 चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा जो मैंने ले रखा था फ़ोरन के लिए, और साथ ही मैं डाल दूँगी तेज़पत्ता। उसके बाद मैं डालूँगी जो मैंने दालचीनी लिया था और गोल मिर्च, उसे भी मैं डाल दूँगी। डाल दिया मैंने, तो देखिए जीरा मेरा चटक चुका है, तेज़पत्ता सब, गोल मिर्च, दालचीनी। मैंने 1 मिनट तक इसे पकाया। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च खड़ा जो मैंने ले रखा था। ये सब को मैं अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्याज का पेस्ट बना रखा था, उसे मैं डाल दूँगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, नहीं तो जलने लगेगा प्याज। इसे अच्छे से मैं मिला दूँगी। प्याज मैंने डाल दिया, इसे मैं 3 से 4 मिनट तक भूनूँगी प्याज को। गैस लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी मैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है प्याज मेरा भूनते हुए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1 चम्मच, और इसे भी मैं भूनूँगी 2 से 3 मिनट मिलाकर, जब इसका कच्चापन दूर हो जाए। मैं प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच जो मैंने ले रखा था। साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी पाउडर, इसको अच्छे से मिला दूँगी मैं। मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, इसे भी अच्छे से मिला लूँगी मैं। देखिए मैंने टमाटर की पूरी को भी डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिला दूँगी। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं इसे भूनूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर जो मैंने ले रखा था, इसे ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं नमक ऐड करूँगी 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/2 चम्मच के लगभग बॉल्स में भी डाले हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच जो मैंने ले रखा था, और साथ ही मैं ऐड करूँगी जीरा और गोल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था, उसे भी मैं ऐड कर दूँगी। इन सबको अच्छे से मिलाकर मैं भूनूँगी तब तक, जब तक अच्छे से मेरे मसालों में से तेल नहीं छूट जाता, तब तक मैं भूनूँगी। गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखूँगी मैं। देखिए मैंने मिला दिया है, अब बीच बीच चलाते हुए मैं इसे भूनूँगी। दूसरे साइड मेरे सारे बॉल्स जो मैंने कद्दू के बना रखे थे सारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से लाल हो चुका है, सारे मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। दूसरे साइड मैंने मसाले जो भून रखा लगभग हो चुका है, 6 से 7 मिनट हो चुका है। 1-2 मिनट में और भूनूंगी इसे। देख रहे कितना अच्छा से कलर आ रहा है। देखिए अब 9 मिनट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, सलग साइड से तेल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कद्दू का पानी निकाल रखा था, उसे मैं डाल दूंगी। डालकर अच्छे से मैं मिला दूंगी इसे। देख रहे हैं पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जिस तरह से आपको ग्रेवी पसंद हो, गाढ़ी या पतली। मैं इसमें 1 कटोरी और पानी ऐड कर रही हूँ, मुझे पतली ग्रेवी चाहिए थोड़ी, चावल के साथ। आप रोटी के साथ या पराठे के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं इसे। रोटी पराठे के साथ खाने के लिए इसका ग्रेवी आप गाढ़ी में रख सकते हैं। देखिए मैं गैस को हाई फ्लेम रख कर दूँगी और 1 उबाल आने दूँगी इस ग्रेवी में। देखिए मेरे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, मैंने हाथ से मसल कर ले लिया है इसे। इसे अच्छे से मिला दूँगी मैं। ये ऑप्शनल है, कसूरी मेथी आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसे मैंने डाला है। तो देखिए मेरा अच्छे से ग्रेवी तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने बॉल्स बना के रखे थे कद्दू के, इन सबको 1-1 करके मैं डाल दूँगी इसमें। देख रहे हैं, और डालने के बाद गैस को मैं लो फ्लेम कर दूँगी, और 1 से 2 मिनट तक मैं गैस पे इसे रखूँगी। उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। देख रहे हैं मैंने मिला दिया इसे। 2 मिनट हो चुका है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी।
और इसे सर्व करूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा कद्दू का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। बच्चे बड़े सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, इस ट्रिक से बनाइएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।